नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भूमि और जल संरक्षण योजना पर चल रहा काम परा धीमा। पीपीएससी शिक्षक बहाली फेज तीन पेपर लीक मामले में ईओयू की बड़ी कार्रवाई। बढ़ते तापमान के साथ पटना बना हॉट वेदर जोन। बिहार के लोगों के लिए धार्मिक यात्रा को लेकर आईआरसीटीसी लेकर आई है ये शानदार योजना। लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार बल्लेबाज दीपक हुड्डा के कैच छोड़ने की हो रही तारीफ। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भूमि और जल संरक्षण योजना पर चल रहा काम परा धीमा। प्रदेश में भूमि और जल संरक्षण योजना पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक इस योजना की रफ्तार काफी धीमी देखने को मिल रही है। इस योजना के लक्ष्य का 50% काम भी वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत तालाब और चेक डैम सहित 3,351 काम होने थे। इन सभी काम के पूरा होने से 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र से भी ज्यादा में सिंचाई की सुविधा में वृद्धि होती। फिलहाल इस योजना के तहत 1,050 काम ही पूरे हो पाए हैं, जिससे 4,282 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा में वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि सात अवरोधक बांध का भौतिक लक्ष्य 389 रखा गया था, लेकिन इसमें महज 185 काम ही पूरे हो पाए हैं। मेरबंदी होने का लक्ष्य 201 रखा गया था, लेकिन इसमें 45 काम ही हुए हैं। इसके अलावा 270 अर्देन चेक डैम निर्माण का काम पूरा होना था, लेकिन केवल 54 काम ही पूरे हुए हैं। बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज तीन पेपर लीक मामले में ईओयू की बड़ी कार्रवाई। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक बहाली फेज तीन के पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पेपर लीक के मुख्य चार आरोपियों को मध्य प्रदेश के उज्जैन से ईओयू की एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक इन चार आरोपियों को 22 फरवरी तक ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा। गिरफ्तार हुए इन चार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। आज इन्हें पटना लाने के साथ ही कोर्ट में पेशी की इस बात सामने आई थी। उसके बाद रिमांड पर लेकर आरोपियों से पूछताछ की जानी थी। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने ये कार्रवाई की है। बढ़ते तापमान के साथ पटना बना हॉट वेदर जोन। बढ़ते तापमान और चिलचिलाती गर्मी के कारण राजधानी पटना हॉट वेदर जोन बन चुका है। राजधानी में तेज पछुआ हवा चलने के कारण लू वाली हवा से लोग परेशान हैं। बीते शनिवार को पटना का पारा सबसे उच्च स्तर पर देखने को मिला है। दरअसल मौसम विभाग द्वारा यहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री दर्ज किया गया है। यहां तेज पछुआ हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिल रही है। जिले के ग्रामीण इलाकों में धूल भरी हवा के कारण लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में कई जगहों पर गर्म मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इंडिया के यंगेस्ट फोटोग्राफर के नाम से प्रसिद्ध हैं बिहार के प्रभात रंजन। आज हम आपको पटना के रहने वाले इंडिया के यंगेस्ट फोटोग्राफर के नाम से मशहूर प्रभात रंजन के बारे में बताएंगे, जो केवल 3 साल की उम्र से ही फोटोग्राफी कर रहे हैं। इन्होंने अपनी प्रसिद्धि केवल बिहार में ही नहीं बल्कि कई बॉलीवुड स्टार और बड़े नेताओं के बीच भी पाई है। अभी प्रभात की उम्र 9 साल है। इन्हें तस्वीरें लेने का शौक बचपन से ही है। इन्होंने कई मॉडल्स और बड़े कलाकारों की तस्वीरें खींची हैं, जिस वजह से लोग इन्हें जूनियर फोटोग्राफर भी कहते हैं। प्रभात सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लेने के साथ ही बॉलीवुड स्टार शेखर सुमन, सोनू सूद, संजय मिश्रा और मनोज वाजपेयी जैसे बड़े हस्तियों की भी तस्वीरें ले चुके हैं। इन्हें फोटोग्राफी के क्षेत्र में कई सम्मान भी मिल चुका है, जिसमें से एक बिहार के यंग टैलेंट की उपाधि भी शामिल है। इन्होंने अपना नाम इंडिया बुक में भी दर्ज करवाया है। बिहार के लोगों के लिए धार्मिक यात्रा को लेकर आईआरसीटीसी लेकर आई है ये शानदार योजना। बिहार के लोगों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरसीटीसी उत्तर भारत और रामलला दर्शन योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत 9 दिन और 8 रात की यात्रा में वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या का दर्शन 18 मई को भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से करवाया जाएगा। इस संबंध में आईआरसीटीसी के संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया है कि अयोध्या में बने राम मंदिर और रामलला के विराजमान होने के बाद भक्तों में क्रेज ज्यादा बढ़ गया है। इसको ध्यान में रखते हुए रामलला के दर्शन योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। ट्रेन पूरी तरह से स्लीपर क्लास होगी। प्रति व्यक्ति खर्च 17,900 रुपये होगा। इस ट्रेन में लोगों को गर्म खाना, सुबह के चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना सब कुछ मिलेगा। इस पैकेज का लाभ उठाने वाले यात्रियों को यात्रा बीमा भी दिया जाएगा। यात्रा के तहत यात्रियों के अतिरिक्त पैसे भी खर्च नहीं होंगे। होटल में रुकने की व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी।
प्रदेश के इन विश्वविद्यालयों का सत्र चल रहा विलंब। बिहार के कई विश्वविद्यालयों में पीजी का सत्र विलंब चलने की खबर सामने आई है, तो वहीं कई विश्वविद्यालय द्वारा एकेडमिक कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है, तो कई विश्वविद्यालय अभी भी इस मामले में पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकतर विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके पीजी का सत्र ही विलंब है। इसमें जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में पीजी का सत्र 2 साल विलंब है, तो वहीं स्नातक का सत्र 6 महीने लेट चल रहा है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में पीजी का सत्र 6 महीने लेट है। मगध विश्वविद्यालय में कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसके अभी तक परीक्षा भी नहीं हो पाई है। वीएन मंडल का सत्र 6 महीने लेट चल रहा है। इसके अलावा मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय का सत्र भी लेट है। बात करें पटना विश्वविद्यालय की, तो यहाँ स्नातक में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आवेदन प्रक्रिया 5 महीने से शुरू की जाएगी। कि आपके क्षेत्र के विश्वविद्यालय का सत्र भी विलंब चल रहा है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक सड़क हादसे में पंकज त्रिपाठी के बहनोई की गई जान। रविवार 20 अप्रैल झारखंड में एक सड़क हादसे के दौरान बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहनोई की जान चली गई है। बता दें कि पंकज त्रिपाठी के बहनोई की कार डिवाइडर में धनबाद के सिरसा में टकरा गई थी। इस हादसे में पंकज त्रिपाठी की बहन, उनके भांजे और भांजी भी जख्मी हो गए हैं। इनका इलाज अभी ANNMCH में चल रहा है। पंकज त्रिपाठी के बहनोई राकेश तिवारी कमलापुर गांव निवासी श्रद्धानंद तिवारी के इकलौते बेटे थे। इस घटना के सामने आते ही चिराग पासवान ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि मेरे मित्र और अभिनेता भाई पंकज त्रिपाठी के बहनोई की भीषण सड़क हादसे में निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, साथ ही शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। मतदाताओं को लुभाने के लिए IPL की तर्ज पर IVL का आयोजन। पटना नगर निगम द्वारा इंडियन वोटर लीग करवाए जाने की तैयारी है, ताकि इस लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। नगर निगम द्वारा IPL की तर्ज पर IVL यानी इंडियन वोटर लीग की अनोखी पहल करवाई जाएगी, जिससे इस चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। इंडियन वोटर लीग का आयोजन गंगा किनारे घाट संख्या 93 पर किया जाएगा। इसकी तैयारी दीघा रोटरी के पास JP सेतु से पूरब खाली जमीन पर नदी किनारे शुरू की जाने वाली है। इंडियन वोटर लीग के लिए समय और जगह का निर्धारण किया जा चुका है। आपको बता दें कि 15 मई तक IVL का ये खेल मैदान बनकर तैयार हो जाएगा। आज राजद पार्टी में शामिल हुए खगड़िया के सिटिंग सांसद महबूब अली कैसर। पारस गुट से इस्तीफा देकर खगड़िया के सिटिंग MP चौधरी महबूब अली कैसर राजद में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि ये खगड़िया से 2 बार सांसद रह चुके हैं। तेजस्वी यादव ने उन्हें राजद कार्यालय में पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान महबूब अली कैसर के साथ उनके बेटे यूसुफ कैसर भी मौजूद रहे। उन्हें उम्मीद थी कि चिराग की पार्टी से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण वे राजद पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि महबूब अली कैसर ने संविधान बचाने के हित में और लोकतंत्र बचाने के हित में ये फैसला लिया है। यहाँ दो खेमा है, एक तलवार बांटने वाला और एक हम लोग कलम बांटने वाले। आगे तेजस्वी ने कहा कि महबूब अली के निर्णय से पूरे देश और राज्य में जो निर्णय जाएगा वो देश बचाने के लिए जाएगा। आज 4 दिवसीय दौरे पर किशनगंज पहुंचे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। सीमांचल के 4 लोकसभा सीट अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर आज AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी अपने पार्टी के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान के चुनाव प्रचार के लिए किशनगंज 4 दिवसीय दौरे पर आए हैं। किशनगंज पहुंचते ही उन्होंने ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में सुबह 11 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद बहादुरगंज विधानसभा के कॉलेज परिसर में दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि 22, 23 और 24 अप्रैल तक भी वे दर्जनों जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पप्पू यादव ने तेजस्वी और राहुल गांधी को लेकर दिया बयान। पूर्णिया लोकसभा सीट का मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है, जब से इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पप्पू यादव चुनावी मैदान में आए हैं। चुनावी मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने तेजस्वी पर जमकर पलटवार किया है। बता दें कि तेजस्वी ने पप्पू यादव को BJP की बी टीम बताया था। इस पर पप्पू यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव भाजपा से डरते हैं, कई मामलों में अभियुक्त होने के कारण CBI, ED और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर है। वे उन्हें भाजपा से लड़ना चाहिए, लेकिन BJP पर कुछ बोलने की बजाय हमसे लड़ाई करते हैं। वहीं राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जहां BJP से डरते हैं, तो वहीं राहुल गांधी निर्भीक होकर भाजपा से लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं है। रांची में इंडिया गठबंधन की महारैली में तेजस्वी यादव शामिल।
लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। एक से एक चुनावी सभा और रैलियां निकाली जा रही हैं। अब इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन की रांची में आज एक बड़ी रैली हो रही है। बता दें कि इससे पहले इंडिया गठबंधन की महारैली पटना, मुंबई और दिल्ली में हो चुकी है और आज इंडिया गठबंधन की रांची में चौथी महारैली में विपक्षी हुंकार भर रहे हैं। इस रैली में 14 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया है, जिसमें बिहार से राजद के तेजस्वी के साथ साथ कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी से भगवंत मान और संजय सिंह, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, झारखंड के चंपई सोरेन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला जैसे कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। इंडिया गठबंधन को इस महारैली से कितना फायदा होने वाला है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अचानक तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती हुए बाहुबली अनंत सिंह, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद थे, लेकिन अचानक तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें पटना अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि अनंत सिंह को पेट और किडनी की समस्या थी। अभी कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह की तबियत खराब होने की वजह से उन्हें IGIMS में भर्ती करवाया गया था। इलाज के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई थी, लेकिन एक बार फिर से किडनी की परेशानी की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल में भर्ती के बाद डॉक्टरों की निगरानी में फिलहाल ये ठीक है। सीएम नीतीश के विवादित बयान पर तेजस्वी और मिसा भारती का बयान आया सामने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लालू यादव को लेकर ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला विवादित बयान सामने आया था। नीतीश कुमार के इस बयान पर तेजस्वी यादव और मिसा भारती का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश बुजुर्ग हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके अभिभावक हैं, वे उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, उनका अधिकार है, वे कुछ भी बोल सकते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बिहार के लोगों का फायदा नहीं होगा, चुनाव के मुद्दों की बात होनी चाहिए। तो वहीं लालू यादव की बेटी और राजद की प्रत्याशी मिसा भारती ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर बोलना बंद कर दिए तो चाचा शुरू हो गए। लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार बल्लेबाज दीपक हुड्डा के कैच छोड़ने की हो रही तारीफ। क्रिकेट के मैदान में उन खिलाड़ियों की तारीफ होती है जो खिलाड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं या अच्छी फील्डिंग करते हैं, लेकिन लखनऊ के स्टार बल्लेबाज दीपक हुड्डा के कैच छोड़ने की तारीफ हो रही है। दरअसल दीपक की ये तारीफ लखनऊ सुपर जायंट्स के फील्डिंग कोच जोंटी रोड्स ने की है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच एकाना स्टेडियम में मैच चल रहा था। इस मैच में जडेजा ने एक गेंद मारी जो दीपक के हाथ से लगकर छक्के के लिए चली गई। इस फील्डिंग से कोच काफी खुश नजर आए और उन्होंने ड्रेसिंग रूम में दीपक की काफी तारीफ भी की। इसका एक वीडियो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, विपिन वर्मा, रंजीत मिश्रा, कन्हैया कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रमन कुमार, नौसाद रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि कुमार राम, राकेश मिश्रा, राजेश मांझी, केशव सिंह, रवि कुमार पटेल, सादुल्लाह पालवी, राहुल कुमार, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपने अपने जीवन में कितने पेड़ पौधे लगाए हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।